नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हाईवे रोड पर लूट करने वाली गैंग को पुलिस ने धर दबोचा। दाहोद जिला में हाईवे पर लूट करने वाली गैंग को पुलिस ने धर दबोचा। यह गैंग गाड़ियों को पंचर कर लूट चलाती थी, इसी के कारण हाईवे पर डर का माहौल बना हुआ था, जिससे लोग रात को हाईवे पर यात्रा करने से घबरा रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक जाल बिछाया, जिसमें गुप्त सूत्रों से पता लगाकर कंबाई रोड पर इस गैंग के 3 लोगों को धर दबोचा, जिनसे पूछताछ की जा रही है और भूतकाल के कई चोरी के और लूट के केस खुलेंगे, ऐसी आशा की जा रही है। दाहोद से सुबेश कापड़िया की एक रिपोर्ट। काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी वारदातें बनी हैं जिसमें लूट और डकैती हुई है। 2017 में 8 और 2018 में ऐसे 4 बाकी बने। पुलिस की तरफ से इसे प्रिवेंट करने के लिए पेट्रोलिंग व्हीकल्स भी बढ़ा दिए गए हैं और पुलिस सहायता केंद्र भी वहां शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही ये बनते क्राइम को डिटेक्ट करना वो भी एक टॉप प्रायोरिटी रही है दाहोद जिला पुलिस के लिए। कल शाम को कम्बोई 3 रास्ता के पास जाके हमारी लोकल क्राइम ब्रांच ने ऐसे 3 एक्यूज को पकड़ा है जो इनके नाम में शामिल थे। इनके नाम है दीप सिंह, कोमला भाई बामनिया, मुकेश जालू भाई और अल्पेश जालू भाई। ये सब मातवा गलिया पड़िए के रहने वाले हैं। इनमें जो मुख्य सूत्रधार है दीपा, वो ठासरा, गोधरा और देवगढ़ बारिया के कई गुनाहों में लूट और डकैती और मर्डर में भी वॉन्टेड है, उसको भी दबोचा गया है और बाकी 3 एक्यूज पकड़ने बाकी हैं। एमओ में रेलवे ट्रैक से पत्थर निकाल के मिट्टी डाल के बोर पे डाल देना, व्हीकल को पंक्चर कर देना और फिर मार के लूटना, इस तरह से इनकी जो है वो मॉडस ऑपरेंडी रही है। पिछले 6 महीने से पुलिस वर्क कर रही थी और कल एक अच्छी सफलता दाहोद जिला पुलिस को मिली है। लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है और फर्दर इंट्रोगेशन से और भी गुना दाहोद के भी और बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी निकलने की संभावना है।